हर ताल का तेज पर इस उपाय से पूजा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अच्छा वर प्राप्ति के लिए उपवास रखकर मनाती हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिन्हें आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना सकते हैं। अर्न गणेश जी की पूजा। हरतालिका तीज के दिन गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा मोदक और सिंदूर अर्पित करें और उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि और विघ्नों के निवारण की प्रार्थना करें। दुआ। शिव पार्वती की पूजा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर पूजा करें। विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल शिव जी को अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और सुहाग सामग्री अर्पित करें। थ्री, व्रत कथा का पाठ। हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ करना और सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। नदी या जल स्रोत के किनारे पूजा। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जल स्रोत के किनारे किनारे जाकर पूजा करें। ये विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। फाइव, ज्योति जलाना। यह पूजा के समय अखंड ज्योति जलाना शुभ होता है। ये ज्योति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती है। एक्स, 16 श्रृंगार। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ये श्रृंगार सुहाग का प्रतीक होते हैं और इससे वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और खुशहाली बनी रहती है। तुलसी का दीपक जलाना। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ये उपाय हरतालिका तीज के दिन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।